अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी मेरा मंजूर, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। और आज मैं आप लोगों के सामने जिस प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ, ये है जी K8 वायरलेस माइक्रोफोन, जिसको मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम 9 मार्ट। प्राइस है इसकी जी 3100, और बड़ी कमाल की चीज़ देखने से ये लग रही है ना, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, और सेम ही एग्जैक्ट मुझे ये बॉक्स मिला है। ठीक है जी, चीज़ें देखो आप लोग के सामने मैं ओपन करती हूँ ताकि किसी चीज़ का डाउट ना रहे। छोटा सा जी माइक्रोफोन, एक है जी इसका कनेक्टर, ठीक है जी, टाइप सी, और एक और है इसमें जी, ये है जी उनके लिए जो आईफोन यूज़ करते हैं, लाइक बहुत देखिए कनेक्टर है इसके साथ, बहुत बेस्ट चीज़। और ये है एक साथ इसकी चार्जिंग केबल, जिससे हम अपने माइक्रोफोन को अटैच करेंगे और चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद फिर कनेक्टर लगाएं अपने फ़ोन के साथ, तो फिर जो कुछ बोलना लेना बोल ले जाओ, जिस तरह मैं बोल रही हूँ। इसके तब ज़्यादा ज़रूरत थी ना, कि मैं जब विदाउट माइक के वीडियोस बनाती थी तो बैकग्राउंड से ज़्यादा आवाज़ें आती थी। और दूसरी चीज़ ये कि बोया माइक के साथ ना एक वाइट का कनेक्शन होता था, और मेरी अब फ़ोन के साथ टाइप सी ही जस्ट कनेक्ट होती है, बोया माइक वाला कोई सिस्टम नहीं। वो भी कनेक्टर कर सकती थी, पर ये वायरलेस है वायर के बगैर। अच्छा, फिर मैंने अब इसको अटैच करना है वैसे फ़ोन के साथ, कि जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ। ये है मेरा वो फ़ोन जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ, कनेक्टर कर लूँगी जिसके साथ मैं अटैच, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस वॉइस ओवर की होती हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो उसके लिए ना मुझे इस तरह की चीज़ बहुत सी चाहिए थी कि जो ना मुझे काम आ सके। ठीक है जी, इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा, करना मैंने क्या है कि इसके साथ ना मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके, तो दो तरह की आप लोगों को एक विदाउट माइक की आवाज़ आएगी और एक विद माइक, दोनों का डिफरेंस आप लोग देख लोगे। इसके साथ मैंने अब कनेक्ट कर लिया, कोई लाइक ब्लूटूथ वाला कनेक्शन वाला हिसाब नहीं है, जस्ट कनेक्टर को अटैच करो आप और आप बोलना शुरू कर दो मेरी तरह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मेरा मंजूर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, लेकिन मैंने अब ये जैसे बनाई है ना अलीशा, इसको सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मेरा मंजूर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हाँ जी, देखा फिर आप लोगों ने डिफरेंस विद माइक और विदाउट माइक के, कि विदाउट माइक बैकग्राउंड से भी आवाज़ें आ रही हैं और मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर नहीं है, और विद माइक कि बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ है, वो भी इस वजह से ज़्यादा क्लियर थी ना कि माइक बहुत ज़्यादा पास था मेरे मुंह के, इतना पास आप मत रखें। और मज़े की चीज़ एक और जो आपको बताऊँगी, अभी भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो मैं इसी माइक से कर रही हूँ, ठीक है जी। और देखो मेरी वॉइस अब कितनी क्लियर है। और बस ये थी जी मेरी अज की वीडियो, तो कमेंट कर दियो, तो लाइक भी कर दियो, तो गलती नाल नहीं सही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।